हेलो गाइस, वेलकम टू हेल्थ एंड लाइफ डेस्टिनेशन। आप लोग रिव्यू करने जा रहे हैं पोर्टेबल ब्लूटूथ वायरलेस स्पीकर का। इसका जो मॉडल है वो A005 है। इसका एक और वर्जन आता है जिसका नाम है TG113। उससे बेटर है क्योंकि इसमें लाइटिंग का फंक्शन और भी सारे बहुत सारे इसमें मोड मिल जाते हैं और भी बहुत सारे इसमें फीचर्स मिल जाते हैं जिसको हम लोग थोड़ी देर में बहुत डिटेल में जानेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसमें रिचार्जेबल बैटरी है। इसको आप FM से प्ले कर सकते हैं, मेमोरी कार्ड से प्ले कर सकते हैं, पेन ड्राइव से प्ले कर सकते हैं। इसमें बताया गया है कि इसमें ब्लूटूथ फंक्शन है और ये USB डिस्क वगैरह से प्ले कर सकता है और आप इसको लाइन केबल से कनेक्ट करके किसी भी डिवाइस से प्ले कर सकते हैं। रिचार्जेबल बैटरी है, FM रेडियो है इसमें और इसमें आपको एक चार्जिंग केबल मिल जाता है। आपको अलग से इसमें जो है अडेप्टर लगा के इसको चार्ज करना पड़ेगा और इसका जो कलर है वो बता दिया गया है इसमें। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका अलग अलग फंक्शन बताया गया है कि इसको आपको कैसे यूज़ करना है, जिसको अब हम लोग कुछ देर में जानेंगे। और इसमें जो बैटरी है वो है 1000 mAh की और जो स्पीकर है वो 5 वाट का है और ये काफ़ी अच्छा है और आप इसको ज़रूर परचेस कर सकते हैं। और ये देखने में बहुत ही खूबसूरत है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। और इसको यूज़ करना तो बहुत ही आसान है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि अगर आप नन ब्रांड में परचेस कर रहे हैं तो आप इसको ज़रूर कंसिडर करें क्योंकि काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी है। और आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का प्रोडक्ट है, मात्र इसमें एक ही स्पीकर है और ये जो आपको दो टो साइड में दिख रहा है ये बेस मेम्ब्रेन है। जब आप हेवी बेस वाला गाना सुनोगे तो ये अच्छे से वाइब्रेट करता है और देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पे आपको जो पावर बटन है वो मिल जाता है, वॉल्यूम अप बटन या नेक्स्ट सॉन्ग प्ले करने का बटन आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ये वॉल्यूम डाउन करने का बटन या प्रीवियस म्यूज़िक को प्ले करने का बटन है, ये आपको मूड चेंज करने का बटन है, या आपको लाइटिंग का बटन दिया गया है। तो इस तरह का इसमें बटन का सिस्टम दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग यहाँ पे पोर्ट दिए गए हैं, चार्जिंग पोर्ट, यूएसबी पोर्ट और आपका मेमोरी कार्ड का जो है पोर्ट है वो भी है। और यहाँ पे जो है आपका जो लाइन इन केबल आता है उसको इंसर्ट करने के लिए लाइन केबल के लिए यहाँ पे पोर्ट दिया गया है। तो काफ़ी सारे पोर्ट भी हैं इसमें और देखने में काफ़ी अच्छा है, छोटा सा है, कॉम्पैक्ट है। और यहाँ पे जो आपका है वो मेटल का मेश दिया गया है ताकि इसका जो स्पीकर है वो प्रोटेक्टेड रहे। और ये इस तरह का है, यहाँ पे आपको एक स्ट्रैप मिल जाता है, तो स्ट्रैप काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। तो ये प्रोडक्ट जो है वो कुछ इस तरह का है। अभी हम इसको प्ले करके देखेंगे और उससे पहले मैं आपको यहाँ दिखा दूँ कि इसका जो चार्जिंग केबल है वो इस तरह का बिल्कुल नॉर्मल सा एक चार्जिंग केबल मिलता है आपको। एडेप्टर तो आपको खैर खुद ही लगाना पड़ेगा। और अगर मैं आपको इसका लाइट प्ले करके दिखाऊं तो लाइट कुछ इस तरह का है। अगर मैं प्ले करूं यहां से, देखिए अगर आपको लाइट विजिबल हो रहा है तो आप देख सकते हैं। और लाइट का पैटर्न आप चेंज कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस कीजिए, देखिए लाइट का पैटर्न चेंज हो गया। तो आप चेंज कर सकते हैं, आपको लाइटिंग अच्छी नहीं लग रही है, आपको चाहिए कि लाइटिंग ऑफ हो जाए तो एक बार प्रेस कर दीजिए, लाइटिंग ऑफ हो जाएगा। और अगर आपको कोई सॉन्ग प्ले करना है तो आप सॉन्ग भी प्ले कर सकते हैं। और काफ़ी अच्छा साउंड है इसका। इसका सबसे प्लस पॉइंट इसका साउंड है जो कि मुझे TG113 से काफ़ी अच्छा लगा। TG113 से इसका साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, मैं अभी आपको सुनाऊंगा। और इसका जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि बजट में अगर आप लेना चाहते हैं और एक कॉम्पैक्ट जो कि हॉस्टल वगैरह में आप यूज़ कर सके तो काफ़ी बेस्ट है। तो वैसे मैं अभी आपको इसको सुनाता हूँ, ये साउंड सुने कितना सही साउंड है। तो आप देख सकते हैं साउंड कितना सही आ रहा है, बेस कितना सही है और इसका जो साउंड क्वालिटी है वो बहुत ही उम्दा है। अगर आप महंगे स्पीकर खरीदेंगे जैसे कि बोट वगैरह का तो आपको काफ़ी प्राइस पे करना पड़ेगा, तब जाके आपको ऐसी साउंड क्वालिटी मिलेगी। इसकी साउंड क्वालिटी ऑसम है। तो साउंड क्वालिटी के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसको परचेस करें और इसको ऑफलाइन ही परचेस करें क्योंकि आपको सस्ते में पड़ेगा। मुझे ये 450 रुपये में मिल गया। अगर आप और बार्गेनिंग करेंगे तो और कम में मिल जाएगा, ऑनलाइन में आपको थोड़ा महंगा मिलेगा। तो ऑनलाइन में आप ना जाएं, इसको ऑफलाइन ही परचेस कर लें। और जो इसका फंक्शन है वो काफ़ी अच्छा है, इसमें काफ़ी सारे फीचर्स दिए गए हैं जो कि इसको काफ़ी एडवांस बनाते हैं TG113 से और काफ़ी बजट फ्रेंडली है। तो आप इसको ज़रूर परचेस करें और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसको प्ले करके एक बार ज़रूर देख लें दुकान में क्योंकि काफ़ी अच्छी साउंड है। एक बार फिर से सुनें दोस्तों, बहुत ही अच्छा साउंड है। Listen to तो ये था पूरा का पूरा रिव्यू आपका A005 मॉडल ब्लूटूथ स्पीकर का। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई सवाल है तो कमेंट में पूछें। तब तक के लिए बाय बाय।